आप सभी लोग देखते होंगे, जो भी आपके युद्धाभ्यास होते हैं, जिस देश के बीच हो रहा है, उनके भी दोनों के बीच याद रखा करिए, और जिस जगह हो रहा है, उनको भी आप याद रखा करिए, और पहली बार कब हुआ है, इसे भी याद रखा करिएगा, और हो सकता है तो आप लास्ट मतलब साल में कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि आपके वन डे एग्जाम में तो क्वेश्चंस बनते रहे हैं, और कभी-कभी आप देखते हैं सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम लोग इंद्र युद्धाभ्यास के बारे में 2020 का। आप देखेंगे कि भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास रूस के साथ एक बड़े नौ सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगी। किसके साथ? रूस के साथ। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि इंद योद्धाभ्यास किनके बीच होता है? भारत और रूस के बीच नौ सैन्य अभ्यास है। क्या है? जल सेना इसमें भाग लेती है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा रूस को देख लेते हैं हम लोग, और भारत को मैप्स में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, ठीक है? इसमें आप देखेंगे भारत के पड़ोसियों की बात करें तो यहाँ ये श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पीओके वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से, और बांग्लादेश से आपकी सीमा सबसे अधिक लगती है। तो याद रखिए इसके बारे में, अपनी राजधानी आप जानते हैं कि नई दिल्ली है, क्षेत्रफल में हम लोग 7वें नंबर पे हैं, और जनसंख्या के मामले में बात करूं तो चीन के बाद हमारा नंबर आता है, चीन के बाद हमारा नंबर आता है दूसरे नंबर पर हम लोग जनसंख्या के मामले में। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग चीन को भी पछाड़ देंगे जनसंख्या के मामले में, जिस तरह से आप जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और करेंसी की बात करें तो भारतीय रुपया यहाँ की मुद्रा है, ठीक है? अब चलते हैं रूस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, यह है रूस। याद रखिए, रूस ऐसा देश है जो आपका यूरोप में भी इसकी सीमा कुछ पड़ती है, और यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, ठीक है? जैसे तुर्की भी आपका हो गया, एशिया में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। तो याद रखिए, रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसके बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कहाँ है ये? है मॉस्को। इसी तरह अब आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन क्षेत्रफल के मामले में याद रखिए, सब पहले नंबर पर है। देख रहे हैं आप लोग कितना क्षेत्रफल है रूस के पास, और जनसंख्या के मामले में 7वें नंबर पर है रूस, ठीक है? अगर मुद्रा करेंसी की बात करूं तो रूबल है यहाँ की करेंसी, और जो अभी बंगाल की खाड़ी में ये होने की बात की जा रही है, अभ्यास कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी हमारी, ठीक है? ये आपका अंडमान निकोबार है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो एक तो आपको मालूम चल गया है कि रूस और भारत के बीच होगा, नौ सेना के बीच, ठीक है? इंद युद्धाभ्यास 2020 से संबंधित कुछ जानकारी। भारत और रूस की नौ सेनाएं बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगी। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। सुरक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं की क्षमता को और विकसित करने के लिए सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में बना हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं कि झड़प की बात चल रही है। तो आपने देखा है कुछ समय पहले भी झड़प हुई थी। कहाँ? देखिए यहाँ, यह है लद्दाख वाला हिस्सा। यहाँ हमारे 20 सैनिक शहीद भी हुए थे, चाइना की तरफ से मालूम नहीं है कितने हुए थे, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ समय पहले। उसके बाद आपने देखा चाइनीज एप्स को बैन किया गया है, तो ये चलता रहा। इंद अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इस नौसैनिक अभ्यास में रूसी युद्धपोत एडमिरल बिनोग्रादो, एडमिरल त्रिबुत्स और बोरिस तोवोसा बुतोसा के अलावा हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा भी भाग लेगा इसमें। इसमें भारतीय नौसेना की युद्धपोत रणविजय, सहद्दी, किल्टान, शक्ति और हेलीकॉप्टर भाग भी लेंगे इसमें, ठीक है? युद्धाभ्यास के बारे में बात करें तो इंदिरा नौसेना अभ्यास की शुरुआत 2003 से हुई थी। कहाँ से? 2003 से। 2017 में आपने देखा होगा कि 2 वर्षों में, अब मतलब 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इंद
आयोजित किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2017 से वर्ष दो वर्ष में एक बार, यानी कि दो साल में एक बार तीनों सेना, यानी कि वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों का एक मिलाकर आयोजित किया जाता है। 2019 में आपने देखा था ये तीनों सेनाएं गोवा में मिली थी, कहां? हमारे भारत में गोवा राज्य में। कहां है गोवा? ये है गोवा, आप लोग जाते भी हैं, ये है, देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपका यही क्वेश्चंस पूछने की तीनों संभावनाएं रहती है। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस, तो आपका एक कथन दे देगा, उसके नीचे आप तीन ऑप्शन दे देगा, तीन चार ऑप्शन दे देगा एक तरह से पॉइंट, और कह देगा कि पहला कब हुआ था, किन के बीच होता है, एक नौसेनाओं के बीच है, या फिर कोई और सेना दे देगा, किन किन देशों के बीच होता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सिविल सर्विस में किस अलग ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर उसके बाद आप देख रहे हैं तीन कथन देने के बाद नीचे भी दे देगा चार ऑप्शन, कहेगा एक दो तीन चार सही है, एक दो तीन सही है, एक दो सही है। तो इस तरह से आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। और वन डे एग्जाम की कहिए तो आप सोचिए कम से कम 20 क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं, 20 तरह के क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये था इंद्र युद्धाभ्यास।